हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो कल मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि मुझे प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोधक के बारे में बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज होती है। उसका सवाल जो था न्यूमेरिकल, उसका जो क्वेश्चन था वो इसके न्यूमेरिकल के प्रति था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिरोधकता क्या होती है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि दोनों ये चीजें जो होती है आपकी क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध को भी प्रतिरोधकता बोला जाता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर ये बात करते हैं अपने प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। एक जो आपका तार होता है, वायर होता है, या कोई भी चालक है आपका, वो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसके कटाक्ष क्षेत्रफल, यानी कि उसका जो व्यास है, उसकी जो मोटाई है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। यूं मानिए कि आपका 100 किलोमीटर लंबा तार है और 5 सेंटीमीटर मोटा तार है, तो नॉर्मली बात है कि उसका जो एरिया होगा वो 1 सेंटीमीटर का एरिया और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया और 1 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ, उसका जो प्रतिरोध होगा वो आपका क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। और इसका दूसरा नाम है, या इसको प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है आपका ओम। प्रतीक क्या होता है? ओम। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर या ओम माइनस सेंटीमीटर कुछ नहीं है, सिर्फ ओम सेंटीमीटर इसका जो होता है आपका मात्रक होता है। एमकेएस प्रणाली में इसका एक और मात्रक होता है, एमकेएस प्रणाली में इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। एमकेएस प्रणाली क्या होती है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड की जो प्रणाली होती है उसके अंदर इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। तो चलिए अपने बात करते हैं, सूत्र देख रहे हैं आप सामने। अगर आपने प्रतिरोध याद करना है तो आपका जो सूत्र होगा वो होगा रो इंटू एल बटे ए। ये रो रो आपका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। थीटा बी सा बनता है, ये जो रो होता है आपका इसको क्या बोलते हैं अपने? विशिष्ट प्रतिरोध। L आपकी लंबाई जो 1 सेंटीमीटर होती है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी कि आपका कटाक्ष क्षेत्रफल। अब जो सूत्र होता है प्रतिरोध याद करने का, R बराबर रो इंटू एल बटे ए। और अगर आपने विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालनी है, इनमें से अगर लेंथ निकालनी है, एरिया निकालना है, जो भी चीज निकालनी है, तो जैसे अपने यहां पे माने कि विशिष्ट प्रतिरोधकता याद करनी है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता को बाहर ले आओ, यानी कि रो को बाहर ले आए और आर को रो की स्थान पे, यानी कि आपस में दोनों चीजें क्या हो जाएगी आपकी? चेंज हो जाएगी और नीचे वाला जो भाग है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये सूत्र बनाने का तरीका होता है कि जो चीज आपने ज्ञात करनी है उसको अपने जब बाहर रखेंगे तो बाहर जो चीज पहले से है वो उसके स्थान पे, यानी कि दोनों का स्थान आपस में चेंज हो जाएगा। यहां पे अपन देखिए, प्रतिरोध था, प्रतिरोध का सूत्र था आर बराबर रो इनटू एल बटे ए। तो बाकी का जो भाग होता है वो क्या होता है? आपस में पलट जाता है, ऊपर वाला चीज नीचे चली जाती है और नीचे वाली चीज ऊपर। तो अपने यहां पे रो याद करनी है तो रो को आर की जगह ले, और आर जो था आपका रो की जगह चला गया और बाकी का जो भाग था, बाकी का जो सूत्र है वो आपका पलट गया, ए ऊपर चला गया और एल नीचे आ गया। तो ये आपका नया सूत्र बन गया किसके लिए? रो के लिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। तो अब इस सूत्र से अपने ज्ञात करेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या मात्रक होता है आर का? ओम। बीच में गुणा का सिंबल है तो गुणा लगा देते हैं। एरिया यानी कि व्यास अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, उसकी मोटाई है जो किसमें नापी जाती है, वो नापी जाती है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में, बटा के अंदर एल यानी कि इसकी लंबाई। तो लंबाई किसमें नापी जाती है? सेंटीमीटर में।
अब इसको हल करो तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट गया, अब अपने पास क्या बच गया, ओम सेंटीमीटर, ऊपर स्क्वायर थी नीचे सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कटा तो ऊपर अपने पास सेंटीमीटर बच गया, तो ये जिसका था वो मात्र कहलाता है ओम सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इसका न्यूमेरिकल क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में बात करते हैं। लेंथ आपकी इसके अंदर है, एक तार है यूरेका का जिसकी लेंथ है 14 मीटर, डायामीटर यानी कि व्यास उसका है 0.14 सेंटीमीटर और आर यानी कि उसका प्रतिरोध है 2.5 ओम। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र यहां पर देखिए आप, रो बराबर आर इंटू ए बटे एल, और इसको मापा किसमें जाता है, ओम सेंटीमीटर के अंदर। तो सबसे पहले जब आपका मात्रक सेंटीमीटर के अंदर है तो इसकी जो सारी इकाइयां है वो क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर के अंदर होनी चाहिए। अगर आपका मात्रक एमडीएस के कहते थे आपको तो आपका मात्रक यहां पे क्या जाता, ओम मीटर आ जाता, तब आपकी ये जो सारी इकाइयां थी आपकी मीटर के अंदर होनी चाहिए थी। लेकिन एम के अंदर आपको आपको कहा नहीं एमडीएस के अंदर, तो आपका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा ओम सेंटीमीटर। तो अब जो इसकी इकाइयां है सारी की सारी राशियां है वो क्या होनी चाहिए, आपकी सेंटीमीटर के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने लेंथ को सेंटीमीटर के अंदर चेंज करते हैं, तो सेंटीमीटर के अंदर चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है मीटर को, तो मीटर को अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1400 सेंटीमीटर। तो आपका व्यास जो है वो आपका सेंटीमीटर के अंदर है, प्रतिरोध आपका ओम में है, विशिष्ट प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। तो अब अपने एरिया की बात करें, आर आपका आपके पास आ गया 2.5 ओम, लेंथ आपके पास 1400 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन यहां पे ए है और यहां पे डी है। तो एरिया का जो आपका क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आर आया है लेकिन डी फिर भी नहीं आया, यानी कि व्यास फिर भी नहीं आया, तो आपको व्यास को क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या के अंदर चेंज करना पड़ेगा। व्यास यानी कि उसका पूरा भाग होता है, पूरी गोलाई होती है, त्रिज्या यानी कि उसका अर्ध भाग। तो इसको व्यास के अंदर चेंज करेंगे, सॉरी त्रिज्या के अंदर चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा आर बराबर 0.14 बटे 2। ये चीज आर बराबर 0.14 बटे 2। अब आपका एरिया का सूत्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि आर अपने पास आ गया, लेंथ अपने पास आ गई और प्रतिरोध अपने पास है। अब इसका मान है जैसे का जैसे अपने लिखते हैं, तो सूत्र लिखते हैं सबसे पहले यहां पे रो बराबर आर इंटू ए बटे एल। तो आर अपने पास कितना है, 2.5 गुणा एरिया का सूत्र अपने पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7 गुणा आर 0.14 बटे 2 स्क्वायर है, तो दो बार लिखना है 0.14 बटे 2 गुणा 0.14 बटे 2। ये चीज अब अपने पास बचती है लेंथ, तो लेंथ क्या आएगी, इसके सारे के बटा में आ जाएगी, कहां पे आएगी, बटा के अंदर। ये चीज तो सारी बटा में आएगी आपकी, अब आपकी लेंथ भी क्या होगी, आपकी बटा के अंदर आ जाएगी। इस तरीके से आपका कंप्लीट जो राशियों का मान था वो आपका रखा गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, पॉइंटों को सबसे पहले हटाओ, जितने पॉइंट के जितने बाद में अंक हैं उतनी जीरो अपने नीचे लगा देते हैं। पॉइंट ये गया और ये गया, तो यानी कि दो अंक ये हो गए, दो ये हो गए और एक ये हो गया, तो 10^5 जीरो लगा दिया अपने नीचे, ये लीजिए 5 जीरो लगा दिए अपने, चाहे तो आप 10^5 लिख लो चाहे आप 5 जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अपने सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, जब 7 को 14 से काटा 2 आ गया, ये 2 इस 2 से गया,
अब अपने पास यहां पे दो बच गया, इस दो को इससे काट दो, सात, इस सात को 14 से काटो, दो 25 अठे 200। अब अपने पास क्या बच गया, 22 बटा 8 गुणा 10 की 5। इसको सॉल्व करेंगे। अब जब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो आपके अब जो आंसर आएगा, यानी कि 22 को जब 8 लाख से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.000275। ये आपका आंसर आएगा जब इसको अपने सॉल्व करेंगे। तो अब अपने को क्या करना है, वही बात कि पॉइंटों के बाद में जीरो देखो, इतना बड़ा आंसर अपने लिख नहीं सकते या कई बार इतना बड़ा आंसर अपने को मिलता नहीं है। तो इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 27.5 गुणा 10 की माइनस 6, ठीक है, ये आंसर चाहे आपका 27.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये आंसर, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, क्योंकि माइनस 6 जो आपकी होती है वो माइक्रो कहलाती है। अगर इसको नॉर्मली अपने सॉल्व करके देखें तो यहां पे इस दूसरे तरीके से करके देखें तो यहां पे आएगा आपका 22 बटे 8, तो आपका आएगा 27.275 गुणा के अंदर आपकी रहेगी 10 की 5, सॉरी बटा के अंदर आपके रह गए 10 की 5, तो 10 की 5 बटा के अंदर आपके पास बच गई। ऊपर से जब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो 10 की 2 और आ जाएंगे, तो आपका ये हो गया 275 और नीचे हो गई आपकी 10 की 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब ये 10 की 7 ऊपर जाएगी, ऊपर के इसके साथ गुणा करेंगे जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 27.5 गुणा 10 की माइनस 6। ऊपर की चीज जब नीचे आती है तो वो प्लस 6 के अंदर हो जाती है, और जब नीचे की चीज यानी कि प्लस वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और ऊपर वाली जब नीचे आएगी तो वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। माइनस की चीज अगर ऊपर नीचे करते हैं तो वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और अगर प्लस की चीज जब ऊपर नीचे करते हैं तो वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो आपका था सवाल था, माइक्रो का हमेशा ध्यान रखना है आपको, हमेशा का हमेशा जो विशिष्ट प्रतिरोध को नापा जाता है वो लगभग माइक्रो सेंटीमीटर के अंदर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर के अंदर नापा जाता है। चाहे तो इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों ही तरीके से आपका ये सवाल हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो इससे रिलेटेड एक दो सवाल आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, तो मैं आपको वो सवाल दे दूंगा, आप उसको करके देख लेना। धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए इतना ही।